6 jawans injured in the deadly Naxal attack in Chhattisgarh are undergoing treatment at the Bijapur hospital, among which 4 jawans are admitted to the ICU of the hospital. What exactly happened in the forest during combing operations? Talking to OTB correspondent, the injured jawans narrate the incidents that unfolded on that fateful night. हम लोग ऑपरेशन गए थे रात में, सुबह तक हम लोग ऑपरेशन पॉइंट तक क्लियर पहुंच गए। रिटर्न आते समय थोड़ा सा पानी वानी पी के जाएंगे ऐसा करके वहाँ एक टेकरी में बैठे थे। उसी टाइम गांव की ओर से आके वो बटालियन जो नक्सलियों का वो हमको पहाड़ में ही घेर दिया। घेर के फिर बम एची ये ग्रेनेड वगैरह फेंकने लगे तो पहाड़ के ऊपर ही हम लोग आधे से ज़्यादा लोग घायल हो गए। फिर हम लोग सोचे यहाँ से रहने सब लोग मर जाएंगे, अब यहाँ से निकलना चाहिए, एम्बुस तोड़ना चाहिए। गांव के ओर मैदान था, उस साइड एम्बुस लगा था, हम लोग उनका एम्बुस को तोड़ते हुए निकले। वहाँ पर कुछ जवान घायल हो गए, उनका भी डेड बॉडी गिरा, हमारे तरफ से डेड बॉडी गिरा था। उसके बाद कुछ लोग घायल वालों को गांव में आके घर में ट्रीटमेंट कर रहे थे उस टाइम, और एची वगैरह फेंकने लगे जंगल की ओर से। फिर उस टाइम घायल वालों को लेकर निकलना करके हम लोग आ रहे थे, खेत था, मैदान था, हम लोग को आड़ नहीं मिला, बस उनको उनके लिए अच्छा आड़ था। वहाँ से हम लोग फायर करना शुरू किया, बहुत हैवी फायर था और हम लोग को ज़्यादा नुकसान हो गया। 10:30-11 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ, उस 3:30-4 बज गए। वो जो शहीद हुए उनको नहीं ला पाए, सुबह जाके लाए, जो घायल थे उनको लेके आ गए। पूरा ऑटोमेटिक हथियारों से लैस था, एची था, मोटारमन था, अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक वेपन के पास थे। 300-400 तो था ही होगा, हम लोग भी 400 लोग लगभग गए थे, तो हमको घेर दिया था पूरा, मतलब अच्छा ही न फिर रहा होगा उनका। तो उनका संख्या आपसे ज्यादा होगा, हो सकता है। नहीं, मेरे साथ नहीं था, मैं तो 3 नंबर टीम का सदस्य हूँ और वो शायद 6 नंबर टीम का सदस्य था, वो मेरे साथ नहीं था। नहीं, वहाँ पे तो SDRG, STF और कोबरा 210 का बहुत ही वो आपस में मिल गए थे हम सब, तो उसमें हमें पता नहीं लग पा रहा था कि कौन आदमी किधर चला गया, किस उस पार्टी में मिल गया। नहीं, उसके पास 47 राइफल थी, तो राइफल तो उसने शायद ही वो उसके चलना बस की नहीं गया, तो इसलिए राइफल उसने अपने एक साथी को दे दिया था। चोट नहीं, उसके बाद हाइड्रेशन से गर्मी पड़ी थी ज़्यादा, पानी नहीं था, खाना वानी नहीं होता, वो जंगल में कोई पानी की सुविधा नहीं थी, और अगर कोई नाले तालाब का कोई पानी वानी भी होता था थोड़ा वो कर लेते, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही चलने में। नहीं, हम सब लड़ाई में लड़ रहे थे सब, राकेश्वर का हम लोगों को बाद में पता लगा कि जब हम यहाँ कैंप में जो नहीं ऐसा था, जब हम लोग सब वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था कि कौन पीछे है कौन आगे है, तो जब हम लोग कैंप में आ गए हैं बचे काफी लोग, तो जब हम लोगों का काउंटिंग हुआ तो जब हम लोगों को मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे एक आदमी हमारा, नहीं हम लोगों को तो पहले अम्बूस का तो हम लोगों को पहले ही पता लग गया था फायरिंग से पहले ही कि अम्बूस लग चुका है। अब अम्बूस लगने के लिए हमने कोशिश भी बहुत करी कि हम अम्बूस को तोड़ें, फिर हमने एक तरफ से अम्बूस तोड़ भी दिया, 3 तरफ से अम्बूस था, तो उसमें हम फिर अम्बूस एक तरफ से हम तोड़ने में कामयाब भी रहे गाँव की तरफ से, और गाँव की तरफ हम आ रहे थे उसी टाइम पर। और शुरू शुरू में हम लोगों का काफ़ी कम नुकसान हुआ, और बाद में आके 12 बजे के बाद में हम लोगों, मतलब ऐसा है कि अगर हमारी 400 की नफरी थी वहाँ पे, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 400 की नफरी है हमारी, तो उन लोगों की भी 500-600 की नफरी होगी, क्योंकि अगर उनकी कम नफरी होती तो वो हम लोगों पे अटैक नहीं करते। हाँ, UBGL भी था उन पे, 51 मोटर भी है, LMG भी था उन पे, और यो हैंड ग्रेनेड भी था, CGRL भी है उनके पास में, जो हम लोगों से जो पुलिस से जो छीना हुआ है तो वो उनके पास है। और हमने फर्स्ट में ही, जैसे ही हमें नक्सली दिखाई दिया, तो हम लोगों ने फर्स्ट में ही UBGL और 51 HE बम मारे, और LMG से भी फायर किया हमने, और जवानों ने 47 से भी फायर किया, जिससे हमने उसको अम्बूस को तो हमने उसके काफ़ी हद तक तोड़ दिया था, पर वो उनका 2 तरफ से अम्बूस था, 3 तरफ से, तो काफ़ी बम की बारिश हुई है वहाँ पर, तो बम की वजह से हम लोगों को थोड़ा आवाज़ का भी पता नहीं लग रहा कि कौन सी पार्टी किस साइड से फायर कर रही है, नक्सली कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हम लोगों का काफी नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, OTV न्यूज़।